गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन क्लास। इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज, जिसमें हम बात करेंगे पीबी शेले से रिलेटेड, इनके इम्पोर्टेंट बायोग्राफी, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट वर्क्स का डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड भी, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स से रिलेटेड जो हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आज की इस क्लास में इंक्लूड कर रखा है वो भी डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स, सेंसुअस पोएट ऑफ रोमांटिक एज, एंड ऑल्सो एस टी कॉलरेज को कवर करने वाले हैं हम आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जिसमें हम रोमांटिक एज के इम्पोर्टेंट पोएट्स से बेसिकली क्लास को पिक करेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये जो क्लास होगी ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट, इसके साथ ही साथ DSSSP टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ हरियाणा में जो आपका एग्जाम हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, HSSC से रिलेटेड जो एग्जाम होगा उसमें भी रोमांटिक पोएट्स पूछे जाते हैं, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए ये हमारी क्लास है। तो एंड तक जरूर वॉच आउट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। चलिए सबसे पहले पीबी शेले से बारे में बात। पर्सी बिशी शेले 4th of August 1792 को इनका बर्थ हुआ था, 8th of July 1822 को इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश पोएट एंड रेवोल्यूशनरी पोएट के नेम से जाने जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था या इन्फ्लुएंस था रोमांटिक एज के राइटर्स पे, तो आप पीवी शेले के जब वर्क्स को पढ़ोगे तो आपको वहां पे इनके रेवोल्यूशनरी जो इनका माइंडसेट था, जो इनके आइडियाज थे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है इनके लिटरेरी करियर पे, वो आप बहुत ही क्लियर वे में इनके वर्क्स को पढ़ करके समझ सकते हो। ही डाइड इन अ बोटिंग एक्सीडेंट इन 1822 एट द एज ऑफ 29। बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन था इनके लिटरेरी करियर का, 1792 से लेकर के 1822 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें इनका स्टार्टिंग फेज भी है, चाइल्डहुड भी है, उसके बाद का इनका जो लिटरेरी करियर था वो बहुत ही इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंशियल था, और एक इम्पॉर्टेंट राइटर की कैटेगरी में या इम्पॉर्टेंट पोएट की कैटेगरी में ये काउंट होते हैं रोमांटिक एज में एंड ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर में। इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अगला फैक्ट जो है, हेराल्ड ब्लूम कॉल्स हिम अ सुपर क्राफ्ट्समैन, अ लिरिक पोएट विदाउट राइवल, एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट्स एवर टू राइट अ पोएम। इसके साथ ही साथ शेले ऑल्सो रोट प्रोज फिक्शन एंड अ क्वांटिटी ऑफ एसेज ऑन पोलिटिकल, सोशल एंड फिलोसफिकल इश्यूज। तो ये जो उन्होंने प्रोज फिक्शन पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है या प्रोज फिक्शन में जो उन्होंने अपना करियर ट्राई किया है उसकी बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एसेज या पॉलिटिकल, सोशल एंड फिलोसफिकल एसेज भी इन्होंने लिखे हुए हैं। आगे है, ओनील कॉल शेले सम ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्री ऑफ द रोमांटिक पीरियड। शेले को ओनील क्रिटिक ने बोला हुआ है कि इनकी जो पोइट्री है वो वन ऑफ द सम ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्री है रोमांटिक एज की, जिसमें हम काउंट करते हैं ओड टू द वेस्ट विंग की बात करते हैं, साथ ही साथ अदर इनके जो वर्क्स हैं उसका डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। इसके साथ ही साथ हिज सेकंड वाइफ मैरी शेली वाज द ऑथर ऑफ फ्रैंकेस्टाइन। फ्रैंकेस्टाइन एक गोथिक जो वर्क है मैरी शेली का, इनकी जो सेकंड वाइफ थी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क है फ्रैंकेस्टाइन, और मैरी शेली जो कि पीबी शेली की सेकेंड नंबर की वाइफ थी, उन्होंने ये वर्क लिखा हुआ है। आगे है, ही रोट अ सर्कुलेटेड एंड पैम्पलेट प्रिंटेड इन 1811 विद थॉमस जेफरसन हॉक टाइटल नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। जो बात कर रहे थे कि प्रोज वर्क की इनकी बात कर रहे थे, तो जिसमें उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल जो सब्जेक्ट मैटर पे प्रोज वर्क्स लिखे हुए हैं, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है जो पैम्पलेट के वे में इसको प्रिंट कराया था 1811 में, ये डेट जरूर याद करिएगा। थॉमस जेफरसन हॉक जो इनके कलीग थे उनके साथ में ये प्रिंट हुआ था ये पैम्पलेट, जिसका नेम था द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, विच गॉट हिम एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर लेस देन अ ईयर्स एनरोलमेंट। तो इसमें नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म में जो एक तरीके से जो नास्तिकता के बारे में इन्होंने बात की अपने इस पैम्पलेट में, उसमें जो कुछ ऐसी बातों का इंक्लूजन था, कुछ ऐसे उसमें पॉइंट्स थे जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए को नहीं पसंद आए, और कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, इसी वजह से इनको वहां से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वहां से निकाल दिया गया था आफ्टर बिफोर लेस देन ईयर ऑफ हिज एनरोलमेंट। टू इयर्स लेटर इन 1813 ही पब्लिश हिज फर्स्ट लॉन्ग सीरियस वर्क क्वीन मैब, अ फिलोसॉफिकल पोएम इन 9 कैंटोज। ये इंपॉर्टेंट है, इस पोएम को हम बात करते हैं जो इनका लॉन्ग सीरियस वर्क था जो क्वीन मैप के नेम से जाना जाता है।
ए फिलोसॉफिकल पोएम है जो एक 9 कैंटोज में लिखी है. इसके साथ ही ही बिकेम अ रोल मॉडल फॉर लेटर जनरेशन ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स विच इंक्लूड विक्टोरियन पोएट्स एंड द पोएट्स ऑफ प्री रिफ्लाइट ग्रुप ऑफ एज सच एज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन, रॉबर्ट लॉर्ड बेरोन, एग्लिनॉन, चार्ल्स स्विनबर्न, एसी स्विनबर्न जिसको बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डांटे ग्रेबियल रॉस्टी एंड डब्ल्यू बी इट्स. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोएट्स थे जो कि पी बी शेले के जो वर्क्स थे, पी बी शेले एज अ राइटर उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए. उनको वर्क को पढ़ करके एक तरीके से उनको गाइड के रूप में काम किया है इनके वर्क्स ने, और इन राइटर्स पे, उनके लिटरेरी करियर पे पी बी शेले का जो इन्फ्लुएंस था वो आप इनके वर्क्स के थ्रू भी देख सकते हो. आगे चलिए इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं, जो इनका साहित्यिक योगदान जो था इंग्लिश लिटरेचर में, और कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं. एलॉस्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये 1815 का है. मॉन्ट ब्लैंक 1816, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817 में लिखा है. इसके साथ ही साथ ओज़िमांडियस 1818, ओड टू द वेस्ट विंड 1819, टू अ स्काईलार्क 1820 का वर्क है. द क्लाउड, पॉलिटिकल बैलेट की बात करते हैं, मास्क ऑफ एनार्की, दैट इज 1819 का ये वर्क है, पॉलिटिकल बैलेट. क्वीन मैप की बात की हमने, 18 यहाँ पे जो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम है, एडोनिस है 1821 का. हेलास जो लिखा हुआ है इन्होंने 1822 में लिखा हुआ है. ये वर्क्स थे जो कि पी बी शेले ने 1822 तक, बहुत ही एक शॉर्ट लाइफ पीरियड में, शॉर्ट लिटरेरी करियर में अपना ये वर्क्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स कंप्लीट किया, फिनिश किया, और एक वर्ल्ड लिटरेचर में या इंग्लिश लिटरेचर में जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपने इस इंपॉर्टेंट लिरिकल वर्क्स के थ्रू, अपने इस इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी वर्क्स के थ्रू, उन्होंने बहुत इम्पैक्टफुली कॉन्ट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर में. इसके साथ ही साथ अगर अदर इनके वर्क्स की बात करते हैं, हिज विजनरी पोएट्री ड्रामा इंक्लूड प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में ये लिखा है. डिसेंसी, ये कुछ इनके पोएट्रिक ड्रामा थे. अ डिफेंस ऑफ पोएट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा. इज एन एसे दैट बाय इंग्लिश पोएट पी बी शेले एंड रिटन इन 1821, फर्स्ट पब्लिश इन 1840. 1821 में ये लिखा गया था, बट इसको जो पब्लिश करा है, इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है ये वर्क, जिसको बोलते हैं अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, 1840 में पब्लिश हुआ है. एंड इज फाइनल अनफिनिश्ड वर्क द ट्रम्प ऑफ लाइफ. कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पी बी शेले का आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन विच वन इज अनफिनिश्ड वर्क ऑफ पी बी शेले. तो द ट्रम्प ऑफ लाइफ, दैट इज 1822 में ये अनफिनिश्ड इनका वर्क है, लिखा हुआ है. ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, इनका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. इंपॉर्टेंट वर्क्स है इनकी डेट्स के साथ में, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है वर्क के साथ साथ डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा. बाकी हम इनके वर्क्स को सेपरेटली पढ़ेंगे. चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑथर की बात करेंगे, दैट इज जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1795 से लेकर के 1821 का ये टाइम ड्यूरेशन था जॉन कीट्स का. ब्रीफ बायोग्राफी और इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जॉन कीट्स के बारे में जो बात करेंगे, 31st October 1795 to 23rd Feb 1821 is the time duration of the John Keats. Birth and death year यहाँ पे लिखा हुआ है. 1795 was the birth year and 1821 was the death year. English romantic poet थे, आप सभी इनको जानते हो, John Keats को. John Keats अपनी ode के लिए बहुत famous है. इन्होंने जितने poetic works लिखे हैं, they are mostly related to ode poetry. और he is one of the main figure of the second generation romantic poet count होते हैं. पी बी शेले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बेरोन के साथ जॉन कीट्स का नेम आता है, जो कि सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स के वे में काउंट होते हैं. फर्स्ट जनरेशन आप जानते होंगे, दैट इज कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लेक थे. आगे हम पढ़ते हैं जो जिसके यह बात हो गई है कि लॉर्ड बेरोन और पी बी शेले सेकेंड जनरेशन पोएट्स माने जाते हैं, इनको रिगार्ड किया जाता है रोमांटिक एज का. डिस्पाइट हिज वर्क्स हैविंग बीन पब्लिकेशन फॉर 4 years बिफोर हिज डेथ From tuberculosis at the age of 25, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन था इनका भी. 25 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, और 25 की एज तक इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर को, उसको जब हम इनका सेक्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, उसमें आप देख लेना. He started his career as a surgeon but left it to be a poet. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपका, कौन सा ऐसा पोएट था जिसने एज अ सर्जन, या जो स्टार्टिंग में अपने करियर से पहले एज अ बीइंग अ लिटरेरी पोएट
होने के पहले वो कौन से प्रोफेशन में था, तो आप वहां पे सर्जन यहाँ पे करोगे कि वो जॉन कीट्स थे। इसके साथ है जॉन कीट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड वेरी मच विथ लेन हंट एंड एडॉप्टेड मेनी ऑफ हिज एटीट्यूड्स एंड लिटरेरी मैनरिज्म। लेन हंट की से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। आगे है ही डाइड इन फरवरी 1821 and epitaph on his grave reads here lies one whose name was writ in water। important hai, exam mein pucha ja sakta hai isse related quotation ki kiski grave pe ye epitaph likha gaya hai। here lies one whose name was writ in water, matlab yahan pe wo uski samadhi hai jiska naam jo hai wo pani pe likha gaya hai। aage hai all of Keats poetry is filled with a mysterious एट अपलिफ्टिंग सेंस ऑफ ब्यूटी एंड जॉय। सेंस ऑफ ब्यूटी एंड जॉय से रिलेटेड, क्योंकि रोमांटिक एज की जो पोएट्रीज हैं वो आप जॉय ब्यूटी लिरिकल क्वालिटी एंड रोमांस एंड इसके साथ साथ नेचुरल ब्यूटी के बारे में आप पढ़ते हो, तो ये सब चीजें जॉन कीट्स ने अपनी पोएट्री में इंक्लूड किया है। इवन देवर related to mysterious poetry, his works explore many possibilities but do not insist on any one answer to the enduring problems of life। एंड इसके साथ ही साथ हिज पोएट्री द पोएट्री ऑफ कीट्स इज कैरेक्टराइज बाय इट्स स्टाइल हैवीली लोडेड विद सिंसुअरिटीज मोस्ट नोटेबली इन द सीरीज ऑफ ओड्स। अगर हम सीरीज ऑफ ओड्स की बात करते हैं तो कीट्स की पोएट्री के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द सेंसुअलनेस ऑफ द थिंग्स दैट कीट्स हैज यूज्ड इन हिज पोएट्री। तो यहाँ पे यही लिखा गया है हैवीली लोडेड विद सेंसुअलिटीज, और स्पेशली उनके सीरीज ऑफ ओट्स की बात करते हैं, ओट्स जो उन्होंने लिखी है पोएम, उसमें सेंसुअलनेस का जो यूज करा हुआ है अपनी पोएट्री को लिखते वक्त कीट्स में, वो आप इनकी पोएट्री को पढ़ करके समझ जाओगे। आगे इनके लिटरेरी वर्क्स का डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले जो वर्क्स है एंडिमियन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1818 में लिखा है। फर्स्ट वर्क विच ऑल दो इमेच्योर एंड इम्परफेक्ट हैज फ्लैशेस ऑफ ब्यूटी एंड चार्मिंग लाइंस इन इट। A thing of beauty is a joy forever। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस लाइन है, और ये लाइन कहाँ से ली गई है, एंडमेन से ली गई है, 1818 का वर्क है ये, और ये लिखा है जॉन कीट्स ने। इसके साथ ही साथ है सेकेंड इनका वर्क इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल, 1818 का वर्क है। देखिए 1821 में इनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने 4-5 years पहले किस किस तरीके के वर्क लिखे हैं जो कि बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, इनके कोटेशंस बहुत फेमस हैं, इनकी सेंसुअलिटी जो सेंसुअसनेस है जो इनकी पोएट्री का, वो आप पोएट्री में को पढ़ते हुए देखोगे। और रोमांटिक एज का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है, इट इज मैकबर इटालियन रोमांस इन ओटावा राइमा। इट इज स्पेसिफिकली सिमिलर टू हंट्स वर्क बट विद अ सेंसुअस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कीट्स ओन। आगे है हाइपेरियन, फिलोसॉफिकल पोएम है, मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और ये अनफिनिश वर्क है हाइपेरियन। इनकी डेथ पे ये इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि 1821 में इनकी डेथ हो चुकी थी। सो दिस इज दी, अभी हमने पीबी शेले की बात की, द ट्रायंफ ऑफ लाइफ, वो अनफिनिश वर्क है उनका, और यहाँ पे हाइपेरियन इज वन ऑफ द वर्क विच इज नॉट फिनिश्ड बाय पीबी शेले, विच इज नॉट फिनिश्ड बाय जॉन कीट्स। आगे है द ईव ऑफ सेंट एजेन, 1820 का वर्क है, मेडिवल रोमांस है, फ्रेगमेंट इन स्पेंसेरियन स्टेंजा में ये लिखी गई पोएम है। लामिया, नैरेटिव रोमांस इन पेंटामीटर कपलेट। ओड्स की बात करते हैं तो कीट्स के इंपॉर्टेंट रिनाउंड ओड की बात करते हैं तो इसमें कुछ है, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, जिसमें टू ट्रूथ इज ब्यूटी, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नो नीड टू नो, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से ली गई है। इसके साथ है ओड ऑन टू साइके, ओड ऑन मेलांकली, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन अटम, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके ओड सीरीज के पोएम्स हैं। सोनेट्स की बात करते हैं, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मेक सीज टू बी ह्यूमन सीजंस ऑन लुकिंग इनटू अ चैंपियंस होमर एंड ब्राइट स्टार, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो सोनेट सीक्वेंस में आते हैं इनके। अदर वर्क्स की बात करते हैं, बार्ड ऑफ पैशन एंड मर्थ, ला बेली डैम सेंस मर्सी, इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बैलेड है। The Caps and Bells on to the Great and E of Saint Mark, 1819 के ये works हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इनका ओड देखा, इसके बाद सोनेट सीक्वेंस का टर्न आता है और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को हमने पहले ही देख लिया है। अब चलिए जिस इंपॉर्टेंट पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलरिज इंपॉर्टेंट बायोग्राफी और लिटरेरी वर्क्स का डिस्कशन करेंगे इनकी। तो
सबसे पहले एसटी कॉलेज के बारे में जो बात करते हैं, 21 अक्टूबर 1772 से लेकर के 25 जुलाई 1834 का टाइम ड्यूरेशन था एसटी कॉलेज का। वॉज इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन। आगे है सैमुअल टेलर कॉलरिज वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 21, 1772 इन ओट्री सेंट मैरी इन डिवॉन श्राइन, वेयर हिज फादर जॉन कॉलरिज वॉज अ विकार एंड स्कूल मास्टर। At the age of 15 in 1787, he wrote one of the earliest known poem, Easter Holiday and Dura Nobis. Dura Nobis or Easter Holiday, ये poem उन्होंने 15 age की, जब इनकी हुई थी 15 years age थी एसटी कॉलेज की, तो ये poem उन्होंने लिखी थी। और starting में जैसे हम बात करते हैं तो starting में ही इन्होंने अपने 5 years की जब इनकी age थी एसटी कॉलेज की, तो उस time पे इन्होंने Homer, Virgil इन सबके important works को पढ़ लिया था। आगे है Together with William Wordsworth, he is credited as one of the founder of Romantic movement in England and was a member of Lake Poets. Lake Poets की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे पीबी शेले, सॉरी यहाँ पे हैं कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड सादी, ये इंपॉर्टेंट लेक पोएट्स के नेम से जाने जाते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो लिरिकल बैलेट से मानी जाती है। और विद द हेल्प ऑफ या विद द कोलैबोरेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ही इज आल्सो कंसीडर्ड द मैन हु स्टार्टेड रोमांटिक एज विद हिज वर्क लिरिकल बैलेट्स। और इन दोनों का कोलैबोरेशन वर्क है, आप सभी इसको जानते हो, दोनों ने साथ में इस लिखी है, अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी पोएट्री के थ्रू ये कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। लिरिकल बैलेट पोएम्स का एक सीक्वेंस है, पोएम्स का एक जो एडिशन है जिसमें पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ सैमुअल टेलर कॉलरिज मेट विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1795 इन द विलेज ऑफ रिचटाउन इन डॉर्सेटशायर में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की मुलाकात हुई थी। 1795 वॉज द ईयर, इंपॉर्टेंट ईयर है ये, ध्यान दीजिएगा इसमें। आगे हम बात करेंगे सैमुअल टेलर के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पोएम्स की। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर 1779 से 1778 में लिखा गया है, बैलेड है, 7 पार्ट्स में लिखा गया है। और इसमें किस बर्ड की बात होती है, दैट इज एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस की बर्ड की बात होती है। और सुपरनेचुरल सीक्वेंसेज हैं, सुपरनेचुरल क्वालिटी इस पोएट्री में आपको देखने को मिलेगी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और ये पोएम जो थी ये लिरिकल बैलेड में इंक्लूड थी। Crestable is an unfinished Gothic ballad. Coleridge wrote its flawless first part in 1797 और second part को 1800 में लिखा था। और third of the famous mystery poems of Coleridge ये है। इसके साथ ही साथ Coleridge ने जो कुबला खान लिखी हुई है, कुबला खान की पोएम है, 1797 में लिखा है, 1816 में पब्लिश हुई है। और ये इन्होंने जो एक्चुअली ये जो पोएट थे कॉलरिज, वो ओपियम अफीम के का एडिक्शन था इनको, और अफीम के एडिक्शन के इन्फ्लुएंस में उसके एटलीस्ट उसका जो एक इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, उसका जो नशा था उसके इन्फ्लुएंस में आकर के ये पोएम उन्होंने लिखी है। तो ये फ्रेगमेंटेड पोएम है। और आगे जो बात करते हैं फ्रॉस्ट एट मिडनाइट 1798 का वर्क है, पर्सनल पोएम है ये, एक सब्जेक्टिव पोएट है, पोएम है जो कि कॉलरिज ने लिखी हुई है। इओलियन हार्प According to Coleridge, the most perfect poem. It is one of his early conversation poem. The poem is a blank verse, uses romantic image of the Aeolian harp as both the order and the wildness found in nature. Nightingale, published in 1796, consists of 3 stanzas. Conventional poetry है, और इनके love और nature या love for rural life के बारे में बात करती है। इस poetry में इन्होंने अपना जो एक नेचर और रूरल लाइफ से जो इंक्लिनेशन है कॉलरिज का, वो दिखाया है, वो लिखा है, उसको एक्सप्रेस किया है इस पोएट्री में। आगे है डिजेक्शन एंड ओड, इम्पोर्टेंट वर्क है ये, 1802 में लिखा है, और इनके इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन है ये, डर्ज ऑन इमेजिनेशन। कॉलरिज रोट दिस पोएम इन ए स्टेट ऑफ मेंटल टॉर्मेंट कॉज्ड बाय मैरिटल स्ट्राइफ, इनडिफरेंट हेल्थ, डिजर्टेशन बाय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड अनफुलफिलमेंट इन लव। तो कॉलरिज की अगर लाइफ की ओवरऑल बात करते हैं, तो बहुत ही ट्रेजिक लाइफ थी इनकी, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, ओपियम का एडिक्शन अलग से था, और इसके साथ ही साथ जो इनका मैरिटल स्टेटस था या मैरिटल जो इनका
एक तरीके से मैरिड लाइफ जो थी वो नहीं अच्छी थी, फ्रेंड्स के साथ इनकी बहुत नहीं अच्छी जमती थी, तो ये सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होकर के ये उन्होंने ओड लिखा है, दैट इज डिजेक्शन एंड ओड, जो कि ये पोयम है। और कॉलरिज ऐसे पोएट थे जिन्होंने इमेजिनेशन पे अपने क्रिटिकल वर्क्स को लिखा है, इमेजिनेशन को क्रिटिकली इन्होंने एनालिसिस किया है, एनालिसिस करते हुए इन्होंने फैंसी इमेजिनेशन, फैंसी और इनको जो फर्स्ट इमेजिनेशन है फैंसी इमेजिनेशन, उसके बारे में इन्होंने बात करी है अपने इमेजिनेशन, जो क्रिटिकल इनका टर्म था या क्रिटिकल इनका जो ओवरव्यू था इमेजिनेशन पे, उसमें अपने इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस करके उसमें, क्योंकि ये क्रिटिक भी थे तो उसमें अपने व्यूज को दिया हुआ है। आगे है विलियम वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो वर्शिपर ऑफ नेचर, इनकी बायोग्राफी और इम्पोर्टेंट वर्क का डिस्कशन करते हैं हम। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन कुकरमाउथ कम्बरलैंड, 7 अप्रैल 1770 को इनका बर्थ हुआ था। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रीलूड, प्रीलूड इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एंड पोएम इन हिज अर्ली ईयर्स दैट रिवाइज एंड एक्सपेंडेड नंबर ऑफ टाइम्स, इसको 3-4 times इसको प्रीलूड को रिवाइज करा गया है। आगे है वर्ड्सवर्थ वॉज पोएट लॉरियट फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ 23 अप्रैल 1850 को इनका बर्थ हुआ था, 1850 को डेथ हुई थी, बट इन्होंने पोएट लॉरियटशिप जो थी वो एक्सेप्ट करी 1843 में और 1850 में इनकी डेथ हुई, तो तब तक ये पोएट लॉरियटशिप थे, 7 years का टाइम था। और ये ऐसे पोएट थे वर्ड्सवर्थ जिन्होंने कोई भी पोएट्री नहीं लिखी है, नो पोएट्री रिटेन फॉर द गवर्नमेंट, जिन्होंने प्रेज में कोई पोएट्री नहीं लिखी, ये ऐसे पोएट थे क्योंकि गवर्नमेंट की प्रेज या जो जो लीडरशिप होती है, जो अथॉरिटी होती है, उसकी प्रेज में जो लॉरियट होता है पोएट लॉरियट, उसको लिखना पड़ता है, बट वर्ड्सवर्थ ऐसे पोएट थे जिन्होंने कोई भी पोएट्री नहीं लिखी है उनकी प्रेज में, क्योंकि एज इनकी हो गई थी, इवन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इस अवार्ड को या इस फेलोशिप को, बट इनके ऊपर एक तरीके से इनको रिस्पेक्ट देते हुए इनसे कहा गया कि आपको कुछ नहीं बर्डन लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, आप बस इस लॉरियटशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे था द ईयर 1793 saw the first publication of the poems by Wordsworth in the collection An Evening Walk and Descriptive Sketches, ये दो works थे जो poems थे, collection of poetry था जो कि 1793 में ये publish हुआ था, इनका first poem इनका regard किया जाता है। It was also in 1795 that he met Samuel Taylor Coleridge in Somerset, जैसे हमने बात की अभी Coleridge को discuss कर रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि 1795 में दोनों की मुलाकात हुई थी और 1798 में इन दोनों ने कोलैबोरेशन से लिरिकल बैलेट को पब्लिश करा था, लिरिकल बैलेट में अपने अपने पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया था। आगे है बिटवीन 1795 टू 1797 वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओन प्ले, ओनली प्ले द बॉर्डरर्स, अ वर्स ट्रेजेडी दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। तो ये बॉर्डरर्स जो है ये इनकी ट्रेजिक प्ले है, इनका सिर्फ एक जो प्ले लिखा है ट्रेजिक प्ले, और वो भी पोएटिक प्ले है, ये पोएटिक ट्रेजिक वर्ड्स से यहाँ पे पोएट्री होगी, पोएटिक प्ले है किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के बारे में, ये उनके रेन के बारे में 1795 से 1797 के टाइम पे, ये ओनली प्ले दैट वॉज रिटन बाई वर्ड्सवर्थ, दैट इज द बॉर्डरर्स, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। आगे हम बात करते हैं इन 1807 वर्ड्सवर्थ पब्लिश पोएम्स इन 2 volumes इंक्लूडिंग ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बहुत ही फेमस वर्क है, 1807 में ये पोएम्स इन 2 volumes में पब्लिश हुई है। इसके साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि स्टार्टिंग का जो वर्क था 1793 का डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, ये लिखा है इन्होंने। इसके साथ ही साथ लिरिकल बैलेट की बात करते हैं, फ्यू Others in the collection of the poems Wordsworth and Coleridge 1798 का है और ये romantic moment का starting माना जाता है इस work से, lyrical ballads के। आगे है few lines written above Tintern Abbey 1798 का ये work है और ये इनका है जब इन्होंने tour किया था second time 1798 में after 5 years, ये यहाँ पे revisiting the bank of Bay during a tour, ये पूरा इसका name है, सिंपली इसको टिंटर नेवे के नेम से बोला जाता है, टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स में ये पोएम लिखा गया है और टोटल नंबर ऑफ 159 लाइंस है इस पोएम में। इसके साथ ही साथ है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी,
1807 का है वर्क, पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड इन 1804, पब्लिश्ड इन पोयम्स इन टू वॉल्यूम्स 1807, फर्स्ट प्रिंटेड इन ओड इन 1807, द पोयम इज इन इरेगुलर पेंडारिक ओड इन 11 स्टैंजा। और आगे है एक्सकर्शन की बात करते हैं, एक्सकर्शन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक लॉस अ पोयम इज अ लॉन्ग पोयम बाय रोमांटिक एज, और यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको फर्स्ट जो पब्लिश किया था 1807-14 में पब्लिश करा था। वी हैव द प्रीलूड द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड 1850, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, और इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द इनर लाइफ फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड टू अप टू 1798। तो प्रीलूड में वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो लाइफ के बारे में, अपनी जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का जो 1798 तक का उनका जो टाइम था उसके बारे में उन्होंने बात की, इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोलते हैं। एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क रिवील्स मेनी डिटेल्स रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ लाइफ। रेक लॉस, इट स्टार्टेड दैट पोएम वाज डिजाइन्ड टू बी इंट्रोडक्टरी टू द रेक लॉस एंड द रेक लॉस इफ कंप्लीटेड वुड हैव कंसिस्टेड थ्री पार्ट, सेकेंड पार्ट एक्सकर्शन है, थर्ड पार्ट वॉज नेवर ओनली प्लान्ड। तो रेक लॉस जो था वो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, अगर ये पूरा होता वर्क तो एक बहुत ही एम्बिशियस वर्क था वर्ड्सवर्थ का। एक्सकर्शन इज द सेकेंड पार्ट, क्लॉस इज द फर्स्ट, एंड थर्ड पार्ट को कभी प्लान उसका सिर्फ प्लानिंग थी बट उसका नेम नहीं दिया गया था। इसके साथ ही साथ वर्ड इज टू मच विद अस सोनेट है, रोमांटिक पोएट ने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म के बारे में बात की गई है इस The word is too much with us में। The poem was first published in two volumes in 1807। तो यहाँ पे ये है। इसके साथ ही साथ I wandered lonely as cloud, known as daffodils है। Lyrical poem है, Wordsworth ने लिखी हुई है, publish हुआ है 1807 में in two volumes। She dwelt among the untrodden ways, three stanza poem है, romantic पोएट वर्ड्सवर्थ ने लिखा है 1798 में जब वो 28 ईयर्स ओल्ड थे, और ये प्रिंट हुई है लिरिकल बैलेट के सेकेंड एडिशन में 1800 में, जो सेकेंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेट का उसमें सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज में वो पब्लिश हुई है। इसके साथ ही साथ द थॉर्न 1798 का वर्क है यहाँ पे, और आगे है सॉलिटरी रीपर, लिरिक पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोएम है, जो कि डोरोथी सिस्टर जब साथ रहते थे विलेज में अपनी सिस्टर के साथ में, तो वहां से इंस्पायर होकर की ये पोएम लिखी है द सॉलिटरी रीपर। आगे है वी आर सेवन, अ पोएम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन हिज लिरिकल बैलेट्स, और ये डिस्कस जो करता है एडल्ट पोएटिक स्पीकर एंड अ लिटिल कॉटेज गर्ल के बारे में है सी वी आर सेवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क थे हमने बात करी आज, विलियम वर्ड्सवर्थ, स्टी कॉलरेज, बीबी शेले एंड जॉन किट्स से रिलेटेड रोमांटिक एज के इंपॉर्टेंट पोएट्स को आज की क्लास में हमने पिक किया। प्लीज do share your views about this class and thank you everyone for watching this.